मेरा हमने कभी भी जो है ना बदलाव नहीं आया था। हुड्डा साहब के साथ तो मेरे शुरू से रिलेशन है, तो पश्चिमा था तब भी और शताब्दी के साथ भी था तब भी, और छोड़ के चला गया था तब भी था, पार्टी छोड़ी थी। और वो पार्टी इसलिए छोड़ी थी कि ऐसा वक्त आ गया था पार्टी के अंदर कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, जो सरकार आ रही थी कांग्रेस पार्टी की, उनके पार्टी के फिट में छुरा घूम के और पार्टी को नुकसान किया था उन्होंने। वो आज बाहर आ गए हैं, उनको पता लग गया है हर आदमी को कि कौन लोग जैसे छुरा घूमने वाले, जब उन लोगों का निपटारा हो गया है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का मेरा कर्ज भी बनता है। जिसके लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, इधर उदय पाल जी हैं, ये मेरे साथी रहे हैं, ये कारण यही रहा है, ये दोनों ही कारण रहे हैं इस बात के यहाँ आने का। ऐसे परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन मेरे के साथ तो शुरू से ताल्लुक है। बीजेपी में किस तरह की पारी रही, क्या मान सम्मान जो सेक्शन वो बीजेपी की पारी तो मैंने चुनाव में पारी करी थी, और पारी में जो है ना उनको फायदा मिल गया दो सीटों का, और कोई पारी नहीं रही। उसके बाद किसान मूवमेंट छिड़ी थी, किसान मूवमेंट के टाइम में मैंने बीजेपी से किनारा कर दिया। चाहते थे ऐसे लोग थे, और वो आप बाहर आ गए, पता लगे उनके कौन से ऐसे लोग थे निजी स्वार्थ चाहते थे, कांग्रेस को कमजोर करना चाहते थे। 100% उस टाइम मुख्यमंत्री चौधरी झूठा बनते, कांग्रेस की सरकार बनती, अगर वो इस तरह की दखल अंदाजी मांग करते तो दखल अंदाजी की वजह उसका शिकार में भी हो गया था। स्वामी ऐसा देखिए, मैं पहले पट्टू हल्के से बना चार बार, फिर मैं फतेहाबाद से बाई इलेक्शन सरकार के सामने जीता था पठानवे के अंदर, फिर मैं नड़वा से जीता, और जिसका नाम ले रहे हो अब मुझे कहना नहीं चाहिए, वो बहुत ओल्ड लेडी है, सम्मानित है रेशमा देवी जी, कुलदीप जी, मुनी जी हैं, उनका 2009 में कांग्रेस पार्टी टीम को ही हराया भी था उनको, तो उनका क्या लिखा है। बाकी जो पार्टी दे देंगे वो ले लेंगे, उसके कहना अलग बात कहता, हम तो दोनों ही मांगेंगे। बस हो गया सवाल, जवाब मिल गया, पहले जवाब दे दिया था समझा ना, ये तजर्बेकार आदमी है, इनसे तुम्हारे हिसाब अपनी बातें इनके मुंह में नहीं डाल सकते आप। बहुत बहुत धन्यवाद, चाय पीने जाना भाई। तो जिन पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इसी मौके पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कांग्रेस के वो मजबूत नेता हैं तीनों अपने अपने इलाके के, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। संपत सिंह शामिल हुए, दो और पूर्व विधायक हुए हैं, तो लगता है कि हिसार जिले की बात करें, दूसरे इलाकों की बात करें, नहीं सारे हरियाणा में इनका प्रभाव रहा है, पूरे हरियाणा में कांग्रेस मजबूत होगी। संपत सिंह कांग्रेस किसी टिकट कमिटमेंट पर आए, कैसे आए? कोई कमिटमेंट नहीं किसी, ना उनकी ऐसी कोई बात थी, वो पहले से बात चल रही थी, बाकी चुनाव होगा जब। एक सर एक सवाल सदन का कर लेते हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने वॉकआउट किया, काम रोको प्रस्ताव किया, मांग कर रहे थे बार बार जो कानून व्यवस्था के मुद्दे, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, उसके लिए हमने कहा था कि एडजॉर्नमेंट मोशन में डिस्कस की जाए, जहाँ पे हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है हरियाणा में, उसका पूरी डिस्कशन होनी चाहिए और उसका समाधान निकलना चाहिए। लेकिन वो कॉलिंग अटेंशन बदल दिया है, इस वास्ते वॉकआउट किया, प्रोटेस्ट। सरकार ने जवाब दिया, कह रहे हैं कि गिरफ्तारियाँ हो चुकी है, ये हुआ रहा पहले, बाद में गिरफ्तारियाँ किसकी हुई हैं, क्या हुई हैं, तो बाद की बातें हैं, पर ऐसा तो भयभीत तो पूरा हरियाणा के लोग हैं। एक आखिरी सवाल सर, आपका 40 साल का अनुभव है, विधानसभा डिजिटल हो गई है, इसे आप कैसे देखते हैं सर? आखिरी सवाल है, थोड़े तो आने वाला समय बताएगा, इसमें आने वाली पीढ़ी के लिए तो अच्छा ही है, हमारी पीढ़ी दूसरी है, हम तो भाई पुराने आदमी कन्वेंशनल आदमी हैं,
उसमें चलेगा, दोनों मिक्सअप चलेगा। हाँ, पेपर लेस नहीं होगा, ये लेस पेपर हो जाएगी। धन्यवाद हुड्डा साहब जी, तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। विधानसभा की कार्यवाही को लेकर भी हुड्डा साहब ने कहा, और वहीं कहा कि जो 3 पूर्व विधायक आज कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस को इससे मजबूती मिलेगी।